टाइम पे इसका वो हुआ था, दहन हुआ था इसका। तो उसके टाइम पे जब वो इसको बनते हुए जना 25-26 साल हो गए इसको बने हो, वो ये जो है 6 में स्टार्ट हो देता। हाँ डैम मतलब मशीनें घूमनी शुरू हो गई थी, मशीनें घूमती थी, बिजली बनना शुरू हो गई थी। तो ये जो रशिया ने इसको बनाया था डैम को। और आपने देखा यहाँ पर गांव, आपने देखा तब तब? हाँ गांव देखे ना, सब मैं गांव थे जहाँ पे हम बैठे, यहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ नीचे था, बहुत बड़ी रसायर में गाँव थे, शहर था यहाँ अच्छा खासा। तो उसको इसको यहाँ स्टॉक करके शहर में जब मशीनें घूमी सबको हटा के तब यहाँ पे ये स्टॉक किया पानी। ये नदी है भागीरथी, इधर से जो आ रही है, ये आ रही है आपका गौमुख से, इन दोनों की ही वजह से डैम है। और जहाँ पे आप TIDC लिखा देख रहे हैं ना यहाँ, इसमें सब में मशीनें हैं अंदर पहाड़ के अंदर। हाँ नीचे इसके, ये यहाँ से पानी जाता है, इन जहाँ पर TIDC लिखा हुआ है यहाँ से पानी जाता है ऐसे पहाड़ के अंदर 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 सुरंग के अंदर, वो जहाँ पे आप वो मंदिर देख रहे हैं वहीं अंदर से थोड़ा इधर आएंगे, वो जो कोना सा दिख रहा पहाड़ का, इसके अंदर डैम है, पावर हाउस। इसके अंदर जन्नत है, मतलब ऑफिस है, बसें जाती हैं और बिल्डिंग है उसके अंदर। अच्छा उसके अंदर जन्नत है मतलब वहाँ पे। तो वो भी बहुत गहराई में, जो जहाँ बिजली बनती है वो बहुत गहराई में, क्योंकि पानी तो बहुत ऊपर से गिरता है, रोटेशन होती है। इसको उसमें बना के फिर इसको जो है पारी का पहली साइड में गिरा करते। तो इसके पारी फिर जाना सेकेंड पावर हाउस है कोटेश्वर में, छोटा कोटेश्वर से पानी फिर जाएगा इसका आपका देवप्रिया। तो देवप्रिया अलग नंदा भागीरथी और बिलंगना, इनका तीनों का संगम हो जाता है। तो आपने भागीरथी में देखा होगा दो नदी आती है, वहाँ बिलंगना वो अलकनंदा है, एक और नदी, उनका दोनों का संगम होता है, दोनों का पानी अलग अलग कलर का, अलग अलग कलर का। अलकनंदा और भागीरथी का होता है ना वहाँ पे। हाँ ये दोनों उस पर वहाँ से ये सीधे जाएंगे आपके ऋषिकेश हरिद्वार पार, गंगा गंगा मिल जाती है वहाँ से ले जाते हैं ये है। और यहाँ पे आप बता रहे हो 250 करीब गाँव थे नीचे, 250 गाँव थे। हाँ बहुत गहराई में थे, बस अड्डा पास सब कुछ, ये यहाँ के लोकल लोकल भैया है। हाँ जी मंदिर मंदिर नीचे है अभी जो जो इसका वो एक अच्छा जब पानी कम होता है तो वो दिखाई देता है ना तेरे हुए। हाँ उसको देखने आते हैं बाबा, कि ठंडक हो गया तो मानो वो पानी बिल्कुल महल से नीचे चला जाता है कि ऊपर ही होता है पानी। नहीं जैसे महल का चौथरा है जो ऊपर से दिख रहा होगा, अगर कोई बंदा बोट में होगा तो दिख रहेगा। नहीं आपको यहाँ से भी अच्छा दिखेगा। अच्छा हाँ यहाँ से अच्छा है, देखने के लिए आते हैं वो। कब वो कौन से टाइम पे? गर्मियों में, गर्मियों मेन गर्मियों में। अभी तो पानी बढ़ रहा है, अभी तो रात दिन पानी बढ़ रहा है, अभी तो पानी बढ़ाएंगे स्टॉक करेंगे सब पानी को ले जाएंगे जहाँ निशान बने हुए पूरा बने। तो इसका मतलब पानी का आ जाएगा तो जहाँ पे वो नंबर लिखे है ना, हाँ वहाँ आ जाएगा पानी। तो गेट से ये थोड़ा सा इतना रह जाता है। अच्छा उसके बाद पानी नहीं बढ़ाते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है डैम में, जैसे कहते हैं ना डैम टूटने जाता है। हाँ। एक ही जगह से टूट सकता है, सिर्फ यहाँ से जहाँ पे ये पुल है। अच्छा और ये पुल जो है इसके नीचे सुरंग है, इस पुल के नीचे सुरंग है, इसमें जहाँ भी आपको दिखेंगे सुरंग ही मिलेगी, क्योंकि सुरंग से ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि पहाड़ के अंदर पानी होता है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फट सकता है, और जब उसको पानी निकलता रहता है तो उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है, वो नहीं रहता। ये पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पे, मिट्टी है ये जो पहाड़, ये जो पुल है ना सिर्फ मिट्टी का, और ऐसे पत्थर डाले हुए हैं ऐसे, उससे ही ये रखा हुआ है। यही चीज़ है टूटने की डैम की, कोई चीज़ डैम टूटेगी नहीं, जैसे पहाड़ हो जाए बड़ी पहाड़ होते। और ये कितनी बड़ी है, पूरा पूरा लेक कितनी बड़ी है? 48 किलोमीटर। हम मतलब एक हलीबा है, मतलब इतना बड़ा पहाड़ कोकल करके इसके अंदर जो बनाया गया है तो बहुत नॉर्मल रहते उस टाइम पर, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जितनी आज है, जैसे सब उसमें होता है उत्तर काशी में टेम पे आता था, वही बच्चे खोज से जा रहे हैं और अंदर बकर काम कर रहे थे, पीछे से मतलब पहाड़ गिर गया था बेचारा, तुमको क्या मलबा भरा उनका, और जहाँ पे इनसे टेवी टेप किया रहता है उस बहुत मतलब विवाद विवाद सर बहुत वो मतलब वो। तो अभी ये विजेंद्र भैया ने हमें पूरी कहानी बताई है टेरी लेक के बारे में, थोड़ा सा कैसे है ये जो पहाड़ है, इसके अंदर पूरा ऑफिस, पूरी मशीनरी है, पावर हाउस पूरा इसके अंदर है, 48 किलोमीटर लगभग की लेक है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। इसकी जो गहराई है 830 से 40 मीटर की इतनी गहराई, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो वो टेरी लेक कई बार आए लेकिन उनको भी इतना इतिहास पता नहीं हुआ, आज इन्हें पता लगा टेरी से कि मैं आया, मैंने रिसर्च करी, खबरें निकाली एकदम अंदर की।
ये होता है कि जब कहीं आते, अब यहाँ पर उन्होंने बताया राजा का महल जो था यहाँ पर, वो जब पानी नीचे आया तो उसके थोड़े बहुत अर्श दिखते हैं यहाँ से, अच्छे से दिख जाते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। तो अब देखेंगे मई जून में मन लगा मौका। वैसे यहाँ इतनी गर्मी पड़ी थी, मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, बट लेकिन फिर भी कभी आएंगे देखने के लिए। क्या बोलते हो, आना है? खाली वीडियो में जो बोल रहे हो, डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस अगेन, है ना, वो देखने वाली चीज़ है ना। हाँ चले यार नीचे टेरी। तो ये है टेरी लेक जो आप देख रहे हैं, और ये है टेरी डैम जिसको कहते हैं। यहाँ बीच में केबल कार भी चल रही है, बीच में दिख रही है, बट